नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की सियासत से। जानकारी दे दें कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायक अब एनडीए में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये नजारा बीते मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही में देखा गया, जब 3 विधायक अचानक एनडीए में शामिल होते हुए नजर आए। आरजेडी से संगीता कुमारी तो वहीं कांग्रेस से मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ एनडीए में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि बिहार में हुए बड़े तख्तापलट के बाद अब आरजेडी और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भविष्य में और भी कई नेताओं के एनडीए में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। गठबंधन से अभी और नेताओं के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता रहे हैं दर्शकों। कांग्रेस और आरजेडी को बिहार में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के 3 विधायक अचानक एनडीए में शामिल हो गए। आरजेडी से संगीता कुमारी तो वहीं कांग्रेस से मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता रहे हैं दर्शकों। बिहार की सियासत से ये बड़ी खबर, जहां आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा झटका देकर 3 विधायक अचानक एनडीए में शामिल होते हुए नजर आए हैं। बता दें कि बिहार में आरजेडी इस वक्त जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, लेकिन इस बीच आरजेडी और कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगता हुआ देखा गया। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।